लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग एक्सरेस। अब हम एक्सरेस की जो शीट है इसको डिस्कस करना चालू करते हैं। एक ही शीट दी है मैंने, इसमें क्वेश्चन हुआ शॉर्ट आंसर्स में, यदि कोई डाउट है तो बोलो। सेकेंड क्वेश्चन हुआ शॉर्ट आंसर्स में, और कोई ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बेसिक लेवल। इसमें भी सेकेंड ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम एडवांस लेवल। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम एडवांस लेवल में फोर्थ। इसके अलावा क्वेश्चन वर्ष में टेंथ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बेसिक लेवल एडवांस लेवल में, और कोई डाउट हो तो बोलते जाओ। मल्टीपल चॉइस, मोर देन वन करेक्ट, किसमें मल्टीपल चॉइस में फोर्थ। आफ्टर दैट पहले यहीं तक कर लेता हूं। अब क्वेश्चन हुआ शॉर्ट आंसर्स। इन अ कूलेज ट्यूब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स द टारगेट एंड स्टॉप इनसाइड इट, डस टारगेट गेट मोर एंड मोर नेगेटिव चार्ज एज द टाइम पासस। नो, ऐसा नहीं होता है। जरा कूलेज ट्यूब का डिजाइन ध्यान से देखिए। हमने इधर एक बैटरी लगा रखी है हाई पोटेंशियल, इधर हमने इस तरह से दे रखा है, और इधर हम टारगेट प्लेट रखते हैं इस तरह से, टारगेट प्लेट रखा, और इस तरह से हमने एमिटर प्लेट रखी। इस एमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन इसे हिट करते हैं और इस बैटरी से इस तरह से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो टारगेट प्लेट नेगेटिवली चार्ज नहीं होती है। यदि उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला गया तो अल्टीमेटली फिर इलेक्ट्रॉन का एमिट होना ही बंद हो जाएगा, उस प्लेट पर आकर टकराना ही बंद हो जाएगा। कॉन्स्टेंटली ये बैटरी टारगेट प्लेट से इलेक्ट्रॉन को पुल भी करती रहे, डज नॉट गेट नेगेटिवली चार्ज। व्हाई एन एक्सपोजर टू एक्सरे इंजीरियस टू हेल्थ बट एक्सपोजर टू विजिबल लाइट इज नॉट, व्हेन बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्सरेस की वेवलेंथ इट्स इन द रेंज ऑफ 0.01 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 10 आर्मस्ट्रॉन्ग। Due to this small wavelength, their frequency is large and energy is large. Large energy होने से यह harmful होती है। Visible rays की wavelength 3500 armstrong से 7500 armstrong होती है, that is large wavelength. लार्ज वेवलेंथ होने से उसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल होती है, फ्रीक्वेंसी स्मॉल होने से एनर्जी स्मॉल होती है। इसलिए विजिबल रेस बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती है, दे आर हार्मलेस, वाइल एक्स रेस आर हार्मफुल बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय देम। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बेसिक लेवल। एक्स रे एब्जॉर्प्शन विल बी मैक्सिमम फॉर द शीट ऑफ X-rays absorption would be maximum for the sheet of. देखिए, जो मेटल जितना डेंस होएगा वो उतना ही ज्यादा X-ray absorb कर लेगा, और जो मेटल जितना लेस डेंस होएगा, जितना सॉफ्ट होएगा, वो X-ray को उतना ही पास होने देगा। आप एक बात समझे, कॉटन, कॉटन की बात करें तो कॉटन
एक्स रेस को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो एक्स रेस को पास होने देगी। वुड की बात करें तो वुड की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो एक्स रे को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी और पास कम होने देगी। आयन की बात करें तो आयन और भी सॉलिड है, और भी डेंस है, वो एक्स रे को और भी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और पास कम होने देगा। इन सभी मेटल में सिल्वर, लेड, कॉपर, आयन, लेड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। लेड सबसे हैवी मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सबसे ज्यादा है। एटॉमिक मास ज्यादा होने से, यह हैवी एटम है, हैवी एटम होने से इसकी डेंसिटी ज्यादा है। इसकी डेंसिटी ज्यादा होने से यह एक्स रेस को पास नहीं होने देगा और एक्स रे को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी मैक्सिमम एक्स रे एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज होगी। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम एडवांस लेवल, इंटेंसिटी ऑफ एक्स रे फ्रॉम अ कूलेस्ट ट्यूब इज प्लॉटेड अगेंस्ट वेवलेंथ एज शोन इन फिगर। द मिनिमम वेवलेंथ फाउंड इज लैम्डा सी एंड द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा इज लैम्डा के अल्फा एज द एक्सीलरेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीज्ड। देखिए, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज इज रिलेटेड टू कट ऑफ वेवलेंथ। जब हम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, हम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, V यदि इंक्रीज करा जाएगा तो EV इंक्रीज होएगा, तो एनर्जी इंक्रीज होएगी, तो लैम्डा C डिक्रीज होएगा। यह जो लैम्डा C है यह डिक्रीज होएगा, मतलब यह वैल्यू इस तरफ जाएगी, जबकि लैम्डा K पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, नो इफेक्ट ऑन लैम्डा K, क्योंकि के अल्फा वेवलेंथ तो मेटल की प्रॉपर्टी है। तो अब देखिए, लैम्डा के माइनस लैम्डा सी इंक्रीसेस, ये बात बिल्कुल सही दिखती है। लैम्डा के माइनस लैम्डा सी डिक्रीसेस, ये गलत है, क्योंकि लैम्डा सी इस तरफ जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लैम्डा के इंक्रीसेस, ये गलत है, लैम्डा सी डिक्रीसेस, ये सही दिखता है। तो मुझको तो ए और डी दोनों से दिख रहे हैं। एक और बार पढ़ लेता हूं जरा। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ एक्स रे फ्रॉम कूलेस्ट ट्यूब इज प्लॉटेड अगेंस्ट वेवलेंथ लैम्डा एज शोन इन फिगर, द मिनिमम वेवलेंथ इज फाउंड टू बी लैम्डा सी, बिल्कुल सही, एंड वेवलेंथ ऑफ के अल्फा, बिल्कुल सही। तो एन एक्सीलरेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीज, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज करा तो ईवी इंक्रीज हुई, तो एनर्जी इंक्रीज हुई, एनर्जी के इंक्रीज होने से एचसी बाय लैम्डा इंक्रीज हुआ, तो लैम्डा सी डिक्रीज हुआ, तो लैम्डा के माइनस लैम्डा सी डिक्रीजेस एंड लैम्डा सी। मुझको ए और डी दोनों सही दिख रहा है, ए और डी दोनों ही सही है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फोर्थ वाला, मार्क द करेक्ट ऑप्शन इफ एटम विथ वैकेंसी हैज अ स्मॉलर साइज देन द न्यूट्रल एटम। एन एटम विथ वैकेंसी हैज अ स्मॉलर साइज देन अ न्यूट्रल एटम, ठीक है। यदि एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए, उसमें वैकेंसी आ जाए, तो जो न्यूक्लियस है बाकी के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से खींचने लगता है, इसलिए एटम की साइज न्यूट्रल एटम से कम दिखाई देने लगती है। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए, उसमें वैकेंसी क्रिएट कर दी जाए, तो जो न्यूक्लियस है बाकी के इलेक्ट्रॉन को एडिशनल फोर्स से खींचेगा और वह एटम का साइज छोटा हो जाएगा। सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। The K alpha X-ray is emitted when hole makes a jump from K shell to another shell. K alpha X-ray is emitted when hole makes a jump from K shell to another shell. ये भी बिल्कुल ठीक है भाई। hole means vacancy. Vacancy जब K shell से another shell में जाएगी, इसका मतलब electron another shell से K shell में आ रहा है,
इलेक्ट्रॉन जब अनदर शेल से के शेल में आ रहा है तो के एक्सरे एमिट होती है, तो बी स्टेटमेंट भी सही है। द वेवलेंथ ऑफ के एक्सरे इज स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ एल एक्सरे ऑफ द सेम मेटल, ये भी बिल्कुल सही है भाई। के एक्सरे की एनर्जी ज्यादा होती है और एल एक्सरे की एनर्जी काफी कम होती है। के एक्सरे की एनर्जी ज्यादा होने से के एक्सरे की वेवलेंथ कम होगी और एल एक्सरे की वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो सी स्टेटमेंट भी सही है। द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे इज स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ के बीटा एक्सरे, ये गलत है। के अल्फा एक्सरे की एनर्जी कम होती है और के बीटा एक्सरे की एनर्जी ज्यादा होती है। के बीटा एक्सरे की एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वेवलेंथ ऑफ के बीटा एक्सरे दैट वुड बी स्मॉलर, उल्टा लिख रखा। के अल्फा एक्सरे की जो वेवलेंथ है दैट इज ऑलवेज लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ के बीटा एक्सरे, सो डी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ए बी सी आर राइट स्टेटमेंट। इसके जो करेक्ट आंसर है ए बी सी। इसके आगे डाउट्स रेज कर दीजिए, पीएफपी में कोई डाउट।